जो दहेज में बीवी के संग आटप के उसकी माँ, घर में छेड़े जंग रात दिन खाए दमाद की जान, किस्मत को रोए बेचारा नोचे अपने पाल, कौन बचाएगा उसको अब उठा यही सवाल। तब रब कोरियर से भेजेगा एक चीज बहुत ही खास, सांस पे सवा सांस, 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 सांस पे सवा सांस। ये आसमान सर पे क्यों उठाए हुए? मम्मी लेकिन यहाँ से तो आसमान दिखता ही नहीं है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मेरे सर पर तो आप चढ़कर बैठी हुई है, मैं बेचारे आसमान को रखूंगा कहाँ? लेकिन इतना हल्ला क्यों मचा है? मैं और हल्ला? हल्ला तो आप मचा रही है मम्मी जी। अच्छा तो ऊपर से मैं नीचे आई थी म्यूजिक ऑन करने के लिए, है ना? नहीं नहीं मम्मी, वो तो हम दोनों डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्यों, किसी सेकंड रेट डिस्को में थर्ड रेट डांसर की नौकरी मिल गई है क्या? इससे बोल कि इसके रहते हुए ऐसी नौकरियां किसी और के पास क्यों जाने लगी? क्या मम्मी, हम लोग तो न्यू ईयर की पार्टी की तैयारियां कर रहे थे। न्यू ईयर की? अरे बाप रे, ये साल कितनी जल्दी गुजर गया। नहीं मम्मी जी, साल तो पूरे 365 दिन के बाद गुजरा है, लेकिन आप इतनी बिजी थी कि आपको एहसास ही नहीं हुआ टाइम पास होने का। बिजी मैं क्या कर रही थी? मुझे परेशान करने में आप बिजी थी। अच्छा अब ठहर, अब तो देख मैं तुझे कैसे परेशान करती हूँ। कम ऑन चिंग्स बेटा। सुपर सास, अब ये क्या करने वाली है? प्रशांत बेटे, ये जो भी करेगी बुरा ही करेगी। शौशाल पहले मुझे तुमसे प्यार था, मुझे तुमसे प्यार था, आज भी है और कल भी रहेगा। चुकी बेटा, तेरी लाइफ बन गई। चुकी बेटा लाइफ बन गई। तो क्या अब तक ये बिना लाइफ की जी रही थी मम्मी जी? मेरा मतलब ये मरी हुई थी। चुप कर मोया, मेरी जवान बेटी को मारने भी तुला हुआ है। अरे मरे इसके दुश्मन, मरे इसकी मौत मांगने वाले, मरे इसके। आपको जिसे मारना है मारिए, मगर इस घर में मत मारिए वरना मैं मर जाऊंगा। यही तो मैं चाहती हूँ और यही तो मैं नहीं चाहती। और मुझे नहीं पता कि मैं क्या चाहता हूँ। लेकिन प्रशांत, मैं तो सिर्फ तुम्हें चाहती हूँ ना डार्लिंग। रियली शोशुई। प्रशांत, स्टोरी में रोमांस बाद में डालना, पहले सुन तो ले ये खलनाई का क्या खबर लाई है। चिंक्स, प्रोड्यूसर झंझाल जोशी ने तुझे अपनी न्यू ईयर पार्टी पे बुलाया है। ये जी का झंझाल कौन है मम्मी जी? फ्लॉप प्रोड्यूसर की लिस्ट का सबसे टॉप प्रोड्यूसर है। अरे भाई, इस इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। ओ शो शो, इसलिए आप से पाला पड़ा है। इसका तो फ्लॉप लोगों से ही पाला पड़ता है। और प्रशांत, उन्होंने खुद फोन करके चिंकी और मुझे अपनी न्यू ईयर की पार्टी पे बुलाया है। सॉरी, आपने मुझसे कुछ कहा? समझदार को इशारा काफी। मैं आपका इशारा नहीं समझा जी। क्योंकि तुम बेवकूफ हो। पर सीधी सी बात है, चिंकी और मैं उनकी न्यू ईयर पार्टी पे जा रहे हैं। और हमारी न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा? हमारी न्यू ईयर पार्टी का क्या होगा? कैंसिल्ड। चलो शॉपिंग पे जाएंगे, पार्टी में कपड़े पहनने के नहीं। सुपर सास, तुम्हें देखकर लगता है कि युद्ध के नगाड़े बज चुके हैं। बंद कब हुए थे? अब मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। समझने जैसा मुश्किल काम बच्चे नहीं किया करते। मैं बताती हूँ क्या करना है। अच्छा, मतलब दो तीर एक शिकार। बुद्धू, एक तीर दो शिकार। राइट। तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम तुनक तुनक तुम तारा तुनक 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 तुनक। छी छी छी, ये क्या पहन रखा है प्रशांत? ये मेरी नई ड्रेस है, मम्मी कल ही खरीद के लाई है। अच्छी नहीं है? बिल्कुल बकवास है। मेरी कोई भी लाई चीज तुझे कभी भी पसंद आती है? खैर चिंक्स, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। अच्छा अच्छा अच्छा, इसलिए आप अदरक नहीं खाती हैं? मैं अदरक खाऊं या न खाऊं, तुझे तो जरूर मुंह की खानी पड़ेगी। क्या मतलब? मतलब ये है पुत्र जी कि चिंग्स तो मेरे साथ झंझाल जोशी की पार्टी पे जाएगी,
और तुम यहाँ अकेले बैठकर न्यू ईयर का मातम मनाते रहना। वैसे मातम मनाने के लिए मुझे न्यू ईयर तक वेट करने की जरूरत नहीं है, आपके यहाँ रहने से मैं हर रोज मातम मना लेता हूँ। लेकिन मैं न्यू ईयर चिंकी के साथ मनाऊंगा। अब इस टॉपिक पे कोई डिस्कशन नहीं होगा। मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूँ, इस टॉपिक पर कोई डिस्कशन नहीं। राइट। वाओ, इसका मतलब मैं जंजाल जोशी की पार्टी में जा रही हूँ। बिल्कुल नहीं, तुम कोई जंजाल जोशी की पार्टी में नहीं जा रही, तुम यहाँ मेरे साथ न्यू ईयर पार्टी मनाओगी। बस ट्रेन कुछ नहीं चलेगी, चिंक्स मेरी बेटी है और वो मेरा कहना मानेगी। तो मैंने कब कहा कि चिंकी मेरी बेटी है? चिंकी तो मेरी पत्नी है और वो अपना दिल का कहना मानेगी। क्यों चिंकी, तुम्हारा दिल क्या कहता है? I love you, प्रशांत। चिंक्स बेटा, क्या तुम मुझे प्यार नहीं करती? Of course करती हूँ मामा। इससे भी ज्यादा? Oh please, come on मम्मी जी। चिंकी कोई तराजू लेकर नहीं बैठी है कि वो तोलती फिरे वो किससे ज्यादा प्यार करती है। Okay, wait a minute. Mom, प्रशांत, आइडिया। आइडिया? चिंकी बेटा, क्या है तुम्हारा आइडिया? मॉम, मेरा आइडिया ये है कि मैं न्यू ईयर वाले दिन जंजाल जोशी के यहाँ भी पार्टी मनाऊंगी और अपने घर पे भी। वाओ चिंकी, दैट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। तो फिर पहले तुम वहाँ पार्टी मना लेना, फिर हम यहाँ साथ में पार्टी मनाएंगे। नहीं, पहले यहाँ मनाएगी फिर उधर जाएगी। नहीं, पहले वहाँ फिर यहाँ। नहीं, पहले यहाँ फिर वहाँ। पहले वहाँ फिर यहाँ। नहीं, पहले यहाँ फिर वहाँ। पहले यहाँ फिर वहाँ। पहले वहाँ फिर यहाँ। तो मैंने कहा बीते हुए दिन आपके कौन से अच्छे थे? उस चुड़ैल ने तो आपका जीना हराम कर दिया था, फिर आप उन्हें क्यों याद कर रही हैं? ओहो, मैं उन दिनों को याद नहीं कर रही हूँ जो मैंने उस चुड़ैल के साथ बिताए थे। फिर? मैं तो उन दिनों को याद कर रही हूँ जब चिंकी के दादाजी के साथ मेरा रोमांस चल रहा था। चिंकी के दादाजी के साथ रोमांस? मतलब मेरे पति के साथ। मैं कुछ और समझा। वैसे सुपर सास, मुझे पता नहीं था कि आप इतनी रोमांटिक हो। आप बताइए ना, आपने लव मैरिज की थी क्या? अरेंज लव मैरिज। मैं कुछ समझा नहीं। अरे मतलब शादी तय हो जाने के बाद जो रोमांस करते हैं। ओके, रोमांटिक सुपर सास। वैसे सुपर सास, आपका कोई ऐसे रोमांटिक सिचुएशन सुनाइए ना, मेरा आज मूड बहुत खराब है। लेकिन मुझे शर्म आ रही है। Oh, come on, super sass, please. Okay. जानते हो, जब मैं चिंकी के दादाजी से मिलने जाया करती थी और मेरा घर जाने का वक्त हो जाता था तो मुझे बड़े प्यार से कहते थे, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, के दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी अभी तो आई हो बहार बन के छाई हो, अभी तो कुछ गा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं। बेसुरा गा रहे हो। मैं एक बार फिर ट्राई करता हूँ, प्लीज। अभी तो कुछ कहा नहीं। सुपर सास, आपके इस रोमांस के चक्कर में मैं तो भूल ही गया, मैं आपसे कुछ कहने आया था। क्या कहने आए थे? उस दिन तो आप बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि आप एक तीर से दो दो शिकार करोगी, लेकिन अब तक आपने एक तीर से एक चूहा तक नहीं मारा। बेटे, हम अपना तीर हवा में नहीं चलाते, निशाना देख कर चलाते हैं। आज देखना, ऐसा तीर चलाएंगे दो नहीं 10 शिकार भी हो सकते हैं। सुपर सास कहाँ चली गई? हाँ, जरूर महाभारत के युग में गई होगी, द्रोणाचार्य से सीखने के तीर कैसे चला जाता है। तुझे मेरी बात माननी होगी चिंक्स, मैंने जंजाल जोशी को अपनी जुबान दे दी है। हाँ, मामा, अगर आपने जुबान दे दी है तो आप बात कैसे कर रही हैं? नहीं, मेरा मतलब है बेटा, मैं उसे प्रॉमिस कर चुकी हूँ। चिंकी, अपनी मम्मी को समझाओ ना कि अपनों के साथ पार्टी मनाने में कितना मजा आता है। आई एग्री बेटा, इसीलिए तो चिंकी मेरे साथ पार्टी में जाएगी, क्योंकि मैं उसकी अपनी हूँ। और मैं? मुझे क्या मालूम, चिंकी और मेरा तो खून का रिश्ता है।
मम्मी जी, अगर आप इसी तरह अपने जिद पर अड़ी रही ना, तो आपका और मेरा भी खून का रिश्ता हो जाएगा। ए? वो कैसे? या तो मैं आपका खून कर दूंगा, या तो फिर मैं आपका खून पी जाऊंगा और फिर आपका खून मेरे रगों में दौड़ने लगेगा। फिर तो तू चंक्स का भाई बन जाएगा। ओह गॉड, फिर मुझे प्रशांत को राखी बांधनी पड़ेगी। यस। और वो गाना भी गाना पड़ेगा, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। यस। नहीं नहीं नहीं, मैं आपका जवाई ठीक हूँ। आप क्यों मेरे हर प्लान पर पानी डालने को तैयार रहती हो? पानी तो कब का पड़ चुका है बेटा, बस अब पोछा लगाने की जरूरत है। हेलो। हेलो, मैं सुपर बॉस बोल रहा हूँ। सुपर बॉस? सुपर सास को तो जानता हूँ, ये सुपर बॉस कौन है? अरे मैं बोली हूँ, मैं अपनी सास से बात करा। आपको जो कुछ कहना है मुझे कह दो, उनसे तो सिर्फ सुनना पड़ता है। अरे बुद्धू राम, अभी अभी तुझे सारा प्लान समझा कर भेजा है, तेरे अकल पर हमेशा पत्थर क्यों पड़े रहते हैं? यहाँ पत्थर नहीं, अच्छा खासा पहाड़ पड़ा हुआ है। हेलो हेलो, मेरी बात। इडियट, किसका फोन था? वो सुपर सास, अब मेरा मतलब सुपर बॉस का। वो फेमस फिल्म डायरेक्टर, क्या चाहते थे वो? वो तो आपको चाहते थे, लेकिन मैंने कहा कि हम अपनी इतनी प्यारी चीज आपको ऐसे कैसे दे दे, तो उन्होंने फोन नीचे रख दिया। प्रशांत, तू हमेशा गड़बड़ क्यों करता है? भाई मम्मी जी, मैं आपका भाव बढ़ा रहा था। मैं तुझे बेकार लगती हूँ? लगने का क्या है, वैसे तो आप घर सास भी नहीं लगती। रुक। हेलो। हेलो, आप कला जी बोल रही हूँ? जी बोल रही हूँ। वेरी स्वीट वॉइस, मैं सुपर बॉस बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए ना सुपर बॉस, प्लीज बोलिए ना। सुनिए, 31 दिसंबर को हमने अपने घर में पार्टी रखी है, आप अपनी बेटी को लेकर वहाँ आ जाइएगा, हम इंतजार करेंगे। हम जरूर आएंगे सर। हाँ, और सुनो, अगर तुम्हें अच्छा काम चाहिए तो अपने घर में अच्छे नौकर रखा करो जो हमें पहचानते हो, जैसे सभी हीरोइनों के नौकर जब हमारे फोन की घंटी बजती है तो पहचान लेते हैं ये सुपर बॉस का फोन है, समझी? I'm sorry sir, very sorry. Okay, see you on 31st night. Okay sir. Bye. एक लाइफ में आप कितनी बार इसकी लाइफ बनाएंगे मम्मी जी? ओए उतर रहन दे, तुझे पता है चिंग्स, सुपर बॉस ने हमें न्यूज दिन की पार्टी में बुलाया है, अब हम वहीं जाएंगे। और झंझाल जोशी की पार्टी? ओ गॉड, मम्मी अब आपने सुपर बॉस को अपनी जुबान दे दी। दे दी, लेकिन आपने अपनी जुबान वो झंझाल जोशी से वापस कर ली। इनकी जुबान की कीमत कहाँ है? ओ यू मीन वो फ्री है, तभी तो इतनी तेजी से चलती है। ओए तू तेजी से चलता बान, मुझे बहुत काम है, चलो चलो निकलो निकलो। ओके ओके, मिलूंगा बाद में। तुझे पता है चिंग्स, सुपर बॉस ने क्या कहा? क्या कहा? केक भी है? देखा प्रशांत, कैसा लगा मेरा डेकोरेशन? सुपर सास, आपने ये सब कुछ इतनी जल्दी? जादू की छड़ी से। ओह थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मगर ये सुपर बॉस बीच में कहां से आ गया? कहानी में ट्विस्ट। मतलब? वो भी चला जाएगा, तू देखता जा, देखता जा। देखता क्या देखता जाऊं, ये सुपर सास के चक्कर में मैं भी चकरा जाऊंगा। चिंकी बेटा, तूने अभी तक कपड़े क्यों नहीं पहने? हाँ मम्मा, कपड़े पहन तो रखे। तू ऐसे जाएगी सुपर बॉस की पार्टी पे? नहीं, इसलिए तो कह रही हूँ कपड़े क्यों नहीं पहने। मम्मा मैं सुपर बॉस की पार्टी में जा ही नहीं रही। क्या? मम्मा प्रशांत ने पार्टी की सारी तैयारियां कर ली हैं। उसने हॉल में इतनी अच्छी डेकोरेशंस की है कि आप देखेंगी तो देखती रह जाएंगी,
और मामा उसने सबको इनवाइट भी कर लिया है। तुझे यहाँ रहने दो, चिंग्स तू मेरे साथ चलना। नहीं मम्मी, मेरी सारी फ्रेंड्स भी आ रही हैं और मैं वो बुड्ढों की पार्टी में जाके क्या करूंगी? मैं तो अपना न्यू ईयर प्रशांत के साथ ही सेलिब्रेट करूंगी। हेलो हेलो, मैं सुपर बॉस। ये सुपर बॉस बोलिए ना, सब प्लीज बोलिए। कला जी, आई एम सॉरी, मैंने 31st नाइट की पार्टी कैंसिल कर दी है। क्यों सर? क्योंकि मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे साथ अकेले न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। क्या? सो प्लीज डोंट कम। एनीवे, विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर। मैं अपने दामाद और बेटी के साथ अकेले न्यू ईयर मनाऊंगा। स्टूपिड फूल। क्या बात है मॉम, आप बहुत नाराज लग रही हैं, टेंशन में लग रही हैं। चुप कर और जा नीचे प्रशांत के साथ न्यू ईयर ईव मना, मुझे तंग मत कर। तो प्रशांत को ऊपर भेज दो आपको तंग करने के लिए। चिंकी जा। बट आई बी बैक। शट अप। आई एम सॉरी, मैंने 31st नाइट की पार्टी कैंसिल कर दी है। मेरी बेटी और मेरा दामाद मेरे साथ अकेले न्यू ईयर मनाना चाहते हैं। ऐसे खुला हुआ है जैसे कोई मिठाई खिलाने वाला है। अरे लेकिन तू यहाँ कैसे आई? मैं अपने घर से आई बुद्धू। और तू कैसे आई? गाड़ी से स्टूपिड। तेरा प्रशांत तो लेके आया है। तुम्हें कैसे मालूम कि मेरी पार्टी कैंसिल हो गई? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा मम्मी जी, पहले आप हमारे साथ नीचे चलिए वरना ये वाली पार्टी भी कैंसिल हो जाएगी। क्यों? नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मॉम प्लीज चलिए ना। नो, आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर। चलो ना। प्लीज नो, आप लोग जाओ, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज चलो। चलिए चलिए। बहू कौन है? मैं तेरी सास हूं। लेकिन अब है कहां? मैं तेरे पास हूं। मेरे पास? कला तेरे पास कोई रास्ता नहीं, नीचे जा, तेरी बेटी और तेरा दामाद तेरा इंतजार कर रहे हैं तेरी सहेलियों के साथ। आज के दिन न तू खुश न वो खुश। पहले मुझे ये बता कि तुझे कैसे पता लगा कि मेरी पार्टी कैंसिल हो गई? अगर मैं आपको बता दूं आप मुझे मारोगी तो नहीं ना? नहीं बेटा, बोल। श्योर श्योर श्योर। ओके, दरअसल वो फोन सुपर बॉस का नहीं था। तो फिर किसका था? उसका उसका किसका? उसका 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 सुपर सास का। सुपर सास। सास पे सवा सास, सास पे सवा सास, a very happy new year to you. जो दहेज में बीवी के संग आटप के उसकी माँ, घर में छेड़े जंग रात दिन खाए दामाद की जान, किस्मत को रोए बेचारा
नोचे अपने बाल, कौन बचाएगा उसको अब उठा यही सवाल, तब रब को रिया